अब जो बोर्ड एग्जाम को बहुत ही कम समय बचाने के लिए, किसी का जनवरी में बोर्ड एग्जाम हो जाता है तो किसी का फरवरी में, तो किसी का जो है मार्च में, तो आपको हमेशा टारगेट ये लेके चलना है कि हमारा 2022 में ही पूरा सब्जेक्ट क्लियर हो जाए, पूरा जो है माइंड में फिट कर लें पूरे सब्जेक्ट को, ताकि बाद में हमें जो है घबराना ना पड़े तेजी से। कई सारे बच्चों की आदत होती है वो एग्जाम के टाइम में पढ़ते हैं, तो उस जो आलसी स्टूडेंट के तो अलग ही बात है। अगर आप सच में टॉपर बनना चाहते हैं या पास करना चाहते हैं, आपका अगर नंबर का टारगेट है, वैसे तो 300 में आप फर्स्ट कर जाएंगे, लेकिन किसी का 300 फर्स्ट करना उसका गोल नहीं होता, उसका गोल होता है कि हमें 400 लाना है, हमें 450 लाना है। तो आपका अगर नंबर गोल है मार्क्स कि आपने पहले से सेट कर रखा है कि हमको इतना मार्क्स चाहिए, उसे अगर पाना है तो आपको जो हमेशा जो है एक जो है एक जो है लिमिट लेके चलना होगा कि इस मंथ तक जो हमें पूरे सब्जेक्ट क्लियर कर लेना है। आप कैसे इन 3 महीने जो है बचे हैं उसमें आप कैसे क्लियर कर सकते हैं? देखिए, कोई भी टॉपिक होता है, सब्जेक्ट होता है, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको जो उन इम्पोर्टेंट टॉपिक का जो एक लिस्ट तैयार करना है, उसे कवर कर लेना है, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है उसके अगर फार्मूलाज हैं तो उसके फार्मूलाज को आप माइंड में फिट कर लीजिए। तो इन दो तरीकों से जो आपका जो आधा जो कोई भी सब्जेक्ट का जो आधा हिस्सा होता है वो माइंड में फिक्स हो जाएगा, बाकी जो आपका कन्फ्यूजन रह जाता है वो आप अपने टीचर से शेयर कीजिए या अपने जो आपके क्लास से दोस्त हैं उसके साथ ग्रुप डिस्कशन कीजिए, इससे आपका जो डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको कम से कम जो है जो सजेस्टेड क्वेश्चन है जो कि हाई जो है रिक्वायरमेंट पे है कि ये सवाल जो है आ सकता है इस साल, तो उसको जो कवर कर ही लेना है आपको, तब जाकर आपका जो है पूरा जो फिजिक्स या केमिस्ट्री हो या हिस्ट्री हो, कुछ भी हो, कौन जो भी सब्जेक्ट है वो आपके माइंड में फिट हो जाएगा। वैसे तो आपको अगर पूरा सब्जेक्ट आपको अगर माइंड में फिट करना है तो आपको तो तब तो पूरी दिन मेहनत करनी पड़ेगी और पूरे साल आपको जो है एकदम एक अच्छे स्टूडेंट की तरह जो है पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसके लिए ये वीडियो है कि आप इस तरह से जो है सजेस्टेड क्वेश्चन को माइंड में फिट करके जो आप 3 महीने में जो है 90+ किसी भी सब्जेक्ट में आसानी से ला सकते हैं।